यो सब तो आज हम फिर वापस आ चुके हैं। काफी देर बाद ये वीडियो आ रही है, पर कोई बात नहीं। सूरज गॉड दिस साइड, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम एक मैंने ये बीट बनाई है, आज उसकी डीकंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले यार, अगर आपको अपने गाने की या अपने म्यूजिक की मास्टरिंग या मिक्सिंग वगैरह कुछ भी करवानी है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम हैंडल मेरा यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा, @gorbeats। तो वहां पर आप मुझे बताओ तो हम फिर करते हैं कुछ कोलैब वगैरह। और हाँ यार, एक और स्पेशल बात हुई इस हफ्ते हमने 300 सब्सक्राइबर अपने कंप्लीट कर लिए हैं। तो जो जिन जिन्होंने भी सब्सक्राइब करा, जिन्होंने नहीं भी करा, धन्यवाद। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिल रही है, थोड़ी सी भी हेल्प, तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक करो। उससे थोड़ी हेल्प होती है यूट्यूब का एल्गोरिथम, जाली जोली सा जो भी, ठीक है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेट्स गो। तो एक बार पहले ये बीट सुन लो, ये बीट जो मैंने बनाई है कैसी है। ठीक है यार, तो यही हमारी बीट थी। तो इसके अंदर मैंने सबसे पहले क्या करा था यार, ये एक FL Studio का स्टॉक प्लगइन ही है, फ्लेक्स, ठीक है। इसमें मैंने ये लाइव ड्रॉपलेट करके इंस्ट्रूमेंट है, ये सबसे पहले मैंने इससे स्टार्ट करा था, ठीक है। तो इस पे मैंने ये मेलोडी बनाई, ठीक है। ये पता नहीं उस टाइम मेरे को सही लगा तो मैंने इस पर बनाई। इसके बाद इसी इंस्ट्रूमेंट की, ठीक है, ये लाइव ड्रॉपलेट की ही मैंने इस पे एक और लेयर लगाई, ठीक है। तो इसके बाद यार मैंने इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट चेंज करे, तो इसके अंदर जो मेरी मेन कॉर्ड थी उसको मैंने इस 70s बाउंस करके, ठीक है, इससे रिप्लेस करा। तो सेम वही पैटर्न है, बस इंस्ट्रूमेंट चेंज करा तो ये कुछ ऐसा साउंड कर रहा होगी। ये क्या हो रहा है, जो हमने उसकी लेयरिंग करी थी तो वो हमने सेम इंस्ट्रूमेंट से, इसी इंस्ट्रूमेंट 70s बाउंस से उसे रिप्लेस करा, ठीक है। ठीक है, तो इसके बाद क्या करा यार मैंने इन दोनों को, ठीक है, इन दोनों को इस ऑडियो फाइल में कन्वर्ट कर लिया था, ठीक है। तो ये कुछ साथ में ऐसा साउंड कर रहा है, ठीक है। तो इसके बाद मैंने क्या करा यार, इस ऑडियो को मैंने एडिट सैंपल करके, ये एडिशन में खुल गया, ठीक है। इसके बाद मैंने यहां से इसे ड्रैग करके
ये हमारा फ्रूटी स्लाइसर है, ठीक है, इसे फ्रूटी स्लाइसर में डाल लिया, ठीक है। ये आपने करना कैसे यार, जैसे आप, मैं यहां पर एक नया एक और फ्रूटी स्लाइसर खोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें दिक्कत आती है, मेरे को शुरू में बहुत आती थी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, एडिशन से ये सैंपल सिलेक्ट करके जितना आपका है, ठीक है, यहां पर ये ड्रैग का ऑप्शन है, इसे होल्ड करो, ठीक है, और ये पीछे आपका फ्रूटी स्लाइसर खुला हुआ है, इसमें ले आओ, ठीक है। तो आपकी ये ऑडियो फाइल इस फ्रूटी स्लाइसर में आ गई है। तो इसके बाद यार मैंने क्या करा था, अब ये फ्रूटी स्लाइसर में आ चुकी है, ठीक है, इसको मैंने फ्रूटी स्लाइसर में डाला और इसकी मैंने पिच को 300 सेंट्स नीचे कर दिया, ठीक है, यानी कि ये मैंने सी माइनर पे प्ले कर रहा था और अब ये 300 सेंट नीचे करके ए माइनर पे प्ले हो चुका है, ठीक है। तो अब ये कुछ इस तरीके का साउंड कर रहा था, ठीक है। तो ये फ्रूटी स्लाइसर में डालने से कुछ अलग ही इस पे फील आ जाती है और इसकी यार थोड़ी क्लिकिंग होती है शुरू में, तो उसके लिए आप इसे अटैक को देखो, अटैक, ये अटैक नॉब है, ठीक है, इसे आप थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं, 10 पॉइंट यहाँ पर जो भी लिखा होता है, ठीक है, MS जो भी है, थोड़ा सा ऊपर करके वो क्लिकिंग इसकी हट जाती है, ठीक है। तो इसके बाद यार मैंने क्या करा, सिंपल अपने वही एक हाई हैट पैटर्न इस पे, ये स्टार्टिंग में ये वर्ड्स के लिए है, ठीक है, बीच में सेक्शन में यह पैटर्न यूज होता है हाई हैट का, ठीक है, और जो मेन हाई हैट का पैटर्न है वो मेरा ये चल रहा है, ठीक है, इसमें पहले की वेलोसिटी ज्यादा है, दूसरे की कम, तीसरे की ज्यादा, ताकि ये ऐसी फील है, ठीक है। और इसके बाद हमने एक ये शेकर इसके अंदर ऐड करा, ठीक है, इस पे काफी रिवर्ब वगैरह डाली हुई है। इसके बाद ये स्नेयर के लिए मैंने दो स्नेयर यूज करी हैं, एक तो पहली ये स्नेयर है, इसे लेयर करा इस रॉ स्नेयर से, ठीक है। ये सारे जो पैक हैं यार, ये मैंने एक नेट से डाउनलोड करा था, लोफाई ड्रम्स करके, ठीक है, अगर आपको ये चाहिए आप मेरे को बता देना या मेरे को इंस्टाग्राम वगैरह पे, मैं आपको इसका लिंक भेज दूंगा, ठीक है। उसके बाद यार मैंने किक में क्या पैटर्न रखा है, इसी ड्रम पैक में से, किट ड्रम किट में से ये किक है, ठीक है, ये किक का पैटर्न हमारा सिंपल। और इसके बाद यार ये मैंने एक बेस इसके अंदर यूज करी है, ये बेस हमारी है नेक्सस से, ठीक है, ये ड्रिवन ये ब्रास की बेस, ठीक है, वैसे तो ये काफी अजीब है, ये इसके अंदर मैंने इसके हाइज वगैरह निकाल के इसे इक्वलाइज करके तो ये ऐसे साउंड कर रही है, ओरिजिनली ये बिना इसके साउंड ऐसी साउंड करती है, ठीक है, लेकिन ये इक्वलाइज करके हमने, ठीक है, ऐसी साउंड कर रही है। तो इसका मैंने जो पैटर्न रखा है वही उसकी बेस नोट थी, ठीक है, हमारी बैटरी कम है थोड़ी। और यार ये मेन कोरस में यही चलती है, लेकिन वर्ड्स के लिए मैंने थोड़ी सी चेंज करी है बेस को, तो ये बीच में थोड़े कट्स वगैरह, ठीक है। तो ये हमारी वर्ड्स जब आता है गाने का तब हमारी ये यूज होती है। इसके बाद ये थोड़ी इंट्रो में सिर्फ ये चार नोट्स प्ले हो रही है वर्ड्स की, इंट्रो में जो आपको सुनी थी,
ठीक है। और इसके बाद यार मैंने जो वो पैटर्न था सिर्फ इसका फ्लेक्स का, इसको मैंने सिर्फ इसको मैंने एक ऑडियो फाइल में डाल के, ठीक है, इसे भी फिर मैंने एक फ्रूटी स्लाइसर में डाल के सेम तो करा ताकि ये वर्स के अंदर ये वाला हमारा पार्ट प्ले होता है, ठीक है। और इसके अंदर ये एक पर्क छोटी सी ऐड करिए, ठीक है। तो यही इंस्ट्रूमेंट्स तो यही सारे हैं। इसके बाद अरेंजिंग में थोड़ी हमने जुगलबंदी करी है, ठीक है। तो हमने जो मेन मेलोडी है, ठीक है, ये नंबर 4 पे है मेरी, ठीक है, इस पे ये फ्रूटी कोरस लगाया, इसका ये प्रीसेट, ठीक है, हल्का सा लगाया, ज्यादा नहीं, ठीक है। इसके बाद हमने इंट्रो के लिए, सिर्फ इंट्रो के लिए इस पे ये आइसोटोप विनाइल का हमने प्लगइन ऐड करा, ठीक है, 1930 पे करके, ये सिर्फ इंट्रो के लिए। तो इससे ये कुछ थोड़ा इंट्रो में ऐसा साउंड कर रहा है, ठीक है, ये सिर्फ इंट्रो के लिए। इसके बाद यार हमने ग्रॉस बीट ऐड करी है, ये हमने इंट्रो और वर्स में ग्रॉस बीट इसके ऊपर हम लगा रहे हैं, तो ग्रॉस बीट के साथ ये कुछ ऐसा साउंड कर रहा है। और एक ये EQ इसके लोस निकालने के लिए, ठीक है, ठीक है। तो यही सारे इंस्ट्रूमेंट्स है इसके अंदर। तो फिर यहाँ पर हमने इसकी ऑटोमेशन क्लिप्स बना रखी हैं, जैसे, ठीक है, जो ग्रॉस बीट है हमारी इंट्रो में आ रही है, यहाँ पर वर्स में फिर हमने इसे कट कर दिया सारा, सॉरी, ठीक है, इंट्रो में आ रही है, इसके बाद ये हुक में हमारी बिल्कुल नहीं है, उसके बाद वर्स में दोबारा आ रही है, ठीक है, यहाँ पर भी जो दूसरा वर्स आ रहा है वहां पर दोबारा आ रही है ये ग्रॉस बीट, ठीक है। और ये आइसोटोप विनाइल की भी हमने ऑटोमेशन क्लिप बना रखी है, ये सिर्फ इंट्रो में हमारी प्ले हो रही है, ठीक है, इसके बाद ही आइसोटोप विनाइल भी हट जाती है सिर्फ इंट्रो में, ठीक है। तो हमने इंट्रो के लिए इसमें ये रखा है, ठीक है। इसके बाद फिर ये आइसोटोप विनाइल का इफेक्ट हट जाता है, तो इसके बाद यहाँ पर ये बेस के साथ ही एक पर्क आती है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद हमारा सीधा ड्रॉप आता है और यहाँ पे हमारा हुक आ जाएगा, इसके अंदर सारा प्ले होगा बिना ग्रॉस बीट वगैरह किसी चीज के, ठीक है। इसके बाद 33 बार तक ये हुक चलेगा हमारा, ठीक है। इसके बाद जाके हमारा वर्स आता है, तो वर्स में ड्रॉप होते ही इसके ऊपर ग्रॉस बीट हमारी एक्टिवेट हो जाती है, ठीक है। और ये हाई हैट का जो हमने सेकंड पैटर्न एक बनाया था वो हमने इस पर लगा दिया, ठीक है। और ये बेस हमारी जो वर्स वाली हमने बनाई थी, ठीक है, और मेलोडी वर्स वाली, ठीक है। तो ये 57 बार तक हमारा वर्स चलता रहेगा, ठीक है। इसके बाद ये थोड़ा यहाँ पे बिल्डअप आता है अगले हुक के लिए,
ठीक है, ये तो ये दोबारा हुक, इसके बाद फिर वही सेम वर्ड्स आ रहता है, लेकिन ये वर्ड्स थोड़ा मैंने छोटा रखा है, पता नहीं ये ऐसी सही लग रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर ये वर्ड्स खत्म हो जाएगा, फिर हमारा एक और बार आखिरी बार हुक आएगा। ठीक है, अरे नहीं, यहाँ पर हमारा ये बिल्डअप है हुक का है, हमने इसे नाम दे दिया। हाँ, हमारा हुक आएगा 105 पे, तो हम 105 में मार्कर लगाते हैं। ये मार्कर लगाना भी अगर आपको नहीं आता तो यहाँ पर देखो, यहाँ से टाइम मार्कर्स एड वन, ठीक है, यहाँ पर अपना नाम दे दो हुक, और जहाँ पर आपको चाहिए वहाँ पर अपना ये आप इसे स्टॉप कर सकते हो, ग्रीन ग्रीन जो भी ये लाइन है इतनी लंबी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हुक लिखा हुआ आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये बिल्डअप में जाएगा हमारा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हमारा थर्ड टाइम हुक ड्रॉप। ठीक है, और इसके बाद हमारा फाइनल ये आउट्रो सेक्शन। तो बस यार यही थी ये बीट। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बीट पसंद आई हो, और यही थी हमारी आज की वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो और बीट और ये ट्यूटोरियल कुछ भी आपको अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, और अगर आपको ये वीडियोस से थोड़ी बहुत हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, और हम आपसे मिलते हैं अगली बार, और शायद अभी आज संडे है तो अभी शायद हम चैनल पर लाइव स्ट्रीम करेंगे। पिछली लाइव स्ट्रीम हमने काफ़ी मज़ा आया पिछली लाइव स्ट्रीम करके, आज देखते हैं क्या लाइव स्ट्रीम करते हैं। तो हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए। Peace.